please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान के रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर्स की एसोसिएशन आरआरए ने 20 जनवरी को जयपुर के हिल्टन होटल में राजस्थान के सभी रजिस्टर्ड रियल्टर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को लेट्स कनेक्ट नाम दिया गया। रेरा से रजिस्टर्ड लगभग सभी रियल्टर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पेशे से सीए हिमांशु गोयल ने रेरा की सभी बारीकियों को समझाया। ये एक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट एक बलून की तरह है जिसको एक छोटी सी सुई से अगर फोड़ दिया जाए तो इसका जो इसने स्पेस दे रखा है हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में, इस इंडस्ट्री में, ये खत्म हो जाए। राजस्थान क्रेडाई के चेयरमैन गोपाल गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने रेरा पर अपनी राय रखी। वो दरमियान भाई भाटी जी ने अनेक कॉन्फ्रेंस की और ये मोटिवेट एजुकेट करने का प्रयास किया अपने साथियों को, ताकि इस नए नियम के प्रावधान की जानकारी सब तक पहुंचे, उसकी पालना कैसे की जाए, उसके संबंध में राजस्थान में इतने बड़े स्तर पर रियल्टर्स का यह पहला कार्यक्रम था। इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई आरआरए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर भाटी कर रहे थे। सबसे पहले तो हमें ये फायदा हुआ कि रेरा आने से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन प्रोफेशनल रियल्टर है और कौन प्रोफेशनल रियल्टर नहीं है, क्योंकि जिसने रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है इसका मतलब वो सिंसियर रियल्टर है, वो इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से काम करना चाहता है, वो सारे बायलॉज को फॉलो करना चाहता है, इसीलिए उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया। और रेरा आने से जो हमें ये है कि हम अपने भाइयों को ये ढूंढ पाए कि भाई हु ऑल आर द प्रोफेशनल रियल्टर। राजस्थान में 432 रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर्स है और यू विल बी हैप्पी टू नो 286 तो जयपुर में है। अगर हम जोधपुर की बात करें तो लगभग 21 लोग जोधपुर से हैं, उदयपुर की बात करें तो लगभग 11 लोग हैं, जबकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी बहुत सारे लोगों को रेरा में रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में प्रोफेशनल रियल्टर जैसे जैसे रेरा समझेंगे, हर आदमी अपने आप को रेरा में रजिस्टर कराएगा और वो रूल को फॉलो करेगा। अगर रूल को फॉलो करेगा तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। रियल्टी मीडिया के सीईओ ध्रुव शर्मा ने बताया कि मीडिया की मदद से कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और सुधार लाए जा सकते हैं और बायर्स का भरोसा जीता जा सकता है। आप सभी को जानना होगा कि रेरा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लॉ है जो लागू किया गया है सरकार के द्वारा, और अगर हमें इस चीज़ को समझ गए हम सभी लोग, तो इसी लॉ से हम सभी लोग, चाहे वो रियल्टर्स हों, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो क्लाइंट्स हों, उन सभी का बहुत फायदा है इस सेक्टर में। आरआरए के इस कार्यक्रम में कई बैंकों के प्रतिनिधि भी आए हुए थे और उन्होंने रेरा पर अपनी राय रखी। रेरा के आने की वजह से हम बैंकर्स को ये फायदा हुआ है कि पहले जो है हम सबसे बड़ी चीज आती है वो जो प्रोजेक्ट है वो फंडिंग के लिए जो है अप्रूव है नहीं, तो हमको अभी जो है रेरा के ऊपर एक क्लिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 573 प्रोजेक्ट्स आर अप्रूव्ड टिल 6 जनवरी। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर थे जीके बी बिल्डर और मीडिया पार्टनर थे रियल्टी मीडिया।